Okay, now we are going to discuss the very first question on plane mirror. So let us read the question first. This is question one. A man of height 1.8 meter stands in front of a large vertical plane mirror. The distance of the image from the man, if he stands at a distance of 1.5 meters from the mirror is A option 1.1 meter, B option 2 meter, C option 3 meter and D option 4 meter. Okay, तो हमसे ये कहा जा रहा है कि एक मैन है जो कि कुछ 1.8 मीटर हाइट का है, वह एक लार्ज वर्टिकल मिरर के सामने खड़ा है. वर्टिकल मीन्स स्ट्रेट, इस तरह से स्ट्रेट. दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल. सो ही स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वर्टिकल प्लेन मिरर. नाउ हमसे पूछा ही जा रहा है कि वह जो 1.8 मीटर्स हाइट का मैन है, वह मिरर से तो 1.5 मीटर की दूरी पे खड़ा है. व्हाट ही इज आस्किंग, ही इज आस्किंग कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मैन. मींस ही वांट्स द डिस्टेंस ऑफ द मैन एंड इमेज, द डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड द इमेज. ओके, नाउ लेट अस ड्रॉ द डायग्राम. बिकॉज ये देखिए, फिजिक्स में डायग्राम बनाने का बहुत महत्व है. वेरी इंपॉर्टेंट इज द डायग्राम. अगर आप डायग्राम बना के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, आप ज्यादा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो सकेंगे. सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम. क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक मिरर ड्रॉ करते हैं. एक प्लेन मिरर, एक वर्टिकल प्लेन मिरर हमने ड्रॉ किया. उसके बाद मैन, हियर इज द मैन. मान लेते हैं कि मैन कुछ इस तरह का दिखता है एंड इसकी हाइट है 1.8 मीटर्स. दिस इज मैन, दिस इज मैन एंड इसकी हाइट है 1.8 मीटर्स. अब यह मैन मिरर से 1.5 मीटर्स की दूरी पे खड़ा है. मींस दिस डिस्टेंस इज 1.5 मीटर. दिस डिस्टेंस इज 1.5 मीटर्स. नाउ व्हाट ही इज आस्किंग, ही इज आस्किंग फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द मैन. उसके लिए हमें सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा कि इमेज एग्जैक्टली फॉर्म किधर हो रही है. सो इट्स अ वेरी इजी टास्क. हमने ये देखा है कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है मिरर से, उतनी ही दूरी पे इमेज भी फॉर्म होती है. सो इट मींस अगर मेरा ऑब्जेक्ट 1.5 मीटर की दूरी पे है इस मिरर से, तो एग्जैक्टली 1.5 मीटर की दूरी पर ही मेरा इमेज भी फॉर्म हो जाएगा एंड इमेज विल लुक समथिंग लाइक दिस. दिस इज द इमेज. नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड इमेज. इट इज 1.5 प्लस 1.5. देयरफॉर वी विल से डिस्टेंस इज 1.5 प्लस 1.5 इक्वल्स टू 3 मीटर्स. द डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड द इमेज इज 3 मीटर्स. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड द मिरर, सॉरी इमेज. नाउ यू कैन नोट दिस, देन वी विल डिस्कस द सेकेंड क्वेश्चन. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड क्वेश्चन. क्वेश्चन इज मार्क द करेक्ट ऑप्शन. मींस आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है आपको उसको मार्क करना है. अब हम रीड करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा नहीं. हम चेक करते हैं.
For example, the first is option A. Option A says the law of reflection hold only for plain surfaces. Option A कहता है कि जो law of reflection है, जो law of reflection हमने discuss किया था last class में, वह सिर्फ और सिर्फ प्लेन सरफेसेस के लिए होल्ड करता है. क्या ये सच है? ऑब्वियसली नॉट. हमने लास्ट क्लास में देखा था कि रेगुलर सरफेस होती है और एक इरेगुलर सरफेस. रेगुलर सरफेस पे रेगुलर रिफ्लेक्शन, दैट इज प्लेन सरफेस. देन ए रफ सरफेस. रफ सरफेस पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन. फॉर एग्जांपल, अगर मैं वॉल पे देखूं तो मुझे वॉल दिखाई देती है. वॉल क्यों दिखती है? क्योंकि लाइट उससे टकरा के मेरी आंखों में आती है. तो वॉल इज अ प्लेन सरफेस. लेकिन अगर मैं एक स्फीयर की बात करूं, एक फुटबॉल की बात करूं, तो मुझे फुटबॉल भी दिखाई देती है. बट फुटबॉल क्या प्लेन सरफेस है? नहीं. फुटबॉल इज अ कर्व सरफेस. वो एक गोल है, वो एक स्फीयर है, बट फिर भी वो मुझे दिखाई देता है. और एग्जैक्टली जब फुटबॉल से भी लाइट टकराती है तो वह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है. सो इट मींस फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सो वी विल कैंसिल दिस ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सेकेंड ऑप्शन इज द साइज ऑफ वर्चुअल इमेज कैन बी मेजर्ड बाय रिसीविंग इट ऑन स्क्रीन. मींस ये कहना चाहता है कि एक वर्चुअल इमेज का साइज हम पता कर सकते हैं अगर उसको स्क्रीन पे ले लिया जाए. स्क्रीन पे ले लिया जाए मींस मैं इस तरह से खड़ा हूं, यहां पे मेरे सामने एक मिरर है, तो मिरर में मेरी इमेज फॉर्म होगी. अब मुझे दिखता है कि मेरी इमेज उतनी ही दूरी पे फॉर्म हो रही है जितनी दूरी पे मैं खड़ा हूं. मींस यहां पे मिरर है, सो मेरे और मिरर के बीच में इतना डिस्टेंस है. सो इट मींस एग्जैक्टली इतनी दूरी पे यहां पे कहीं मिरर की एक इमेज फॉर्म होनी चाहिए. लेकिन अगर मैं पीछे जाके देखता हूं मिरर के, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता. वहां पे कोई इमेज दिखाई नहीं देती. वहां पे सिर्फ मेरी इमेज इस मिरर में दिखाई देती है. सो इट मींस अगर मैं यहां पे मिरर रख के मेरी इमेज देखने की कोशिश करूं और पीछे जाके देखूं, तो पीछे मुझे कुछ नहीं दिखेगा. अगर मैं पीछे एक स्क्रीन लगा दूं, तो क्या मेरी इमेज उस स्क्रीन पे मुझे दिखाई देगी? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज इट्स अ वर्चुअल इमेज. और हमने ये सीखा है कि वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन. उनको स्क्रीन पे उतारा नहीं जा सकता. आगे चल के हम इसको और डीप में डिस्कस करेंगे जब हम स्फेरिकल मिरर्स की बात करेंगे. सो इट मींस वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे तो उतार ही नहीं सकते. अगर हम उसको स्क्रीन पे उतार ही नहीं सकते, सो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसका लेंथ या उसकी हाइट या उसकी विड्थ हम मेजर नहीं कर सकते. ओके, सो इट मींस सेकंड ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग. वी कैन कैंसिल दिस. देन थर्ड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन सेज प्लेन मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज. दैट इज वेरी ऑब्वियस ऑप्शन. ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है. हमने कई बार इस चीज को डिस्कस किया है. हमने प्लेन मिरर, जब सिंगल प्लेन मिरर देखा, फिर अभी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस देखा, तब भी हमने डिस्कस किया. और हम ये जानते हैं, यस, द प्लेन मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज. ये हमेशा एक इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है. इरेक्ट मीन्स मैं इस तरह से खड़ा हूं तो मेरी इमेज बिल्कुल इस तरह से ही रहेगी. ऐसा नहीं होगा कि मेरा सर नीचे और पांव ऊपर दिखाई देगा. सो इट मीन्स इट्स एन इरेक्ट इमेज. सो दिस ऑप्शन इज ट्रू. सो हमने देखा कि सी ऑप्शन करेक्ट है. लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम डी ऑप्शन को रीड ही ना करें. हम डी ऑप्शन को भी रीड करेंगे, उसको भी समझेंगे, उसमें क्या गलती है उसको जानने की कोशिश करते हैं. ओके, सो लेट अस सी द डी ऑप्शन. इट सेज प्लेन मिरर फॉर्म्स इन्वर्टेड इमेज. क्या प्लेन मिरर इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है? क्या मैं इस तरह से खड़ा हूं तो मिरर में जो इमेज बनती है उसमें मैं उल्टा दिखाई देता हूं, मेरे सर नीचे और पांव ऊपर दिखते हैं? ऑब्वियसली नॉट. वह इमेज लेटरली इन्वर्टेड जरूर होती है, लेकिन इन्वर्टेड नहीं होती. अगर सिर्फ इन्वर्टेड लिखा है तो हमें यह मानना है कि इन्वर्टेड मींस अपसाइड डाउन, जस्ट उल्टा. सो ऐसा कुछ भी नहीं होता प्लेन मिरर में. सो आई कैन से दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग. सो करेक्ट आंसर इज सी. ओके, लेट अस डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन. The question says, at an instant, the clock shows 3:25. When seen through a mirror, the time appeared will be. मतलब एक घड़ी लगी है दीवार पे मेरे सामने,
उस घड़ी में इस वक्त 3:25 का समय हो रहा है। अगर मैं उसे एक प्लेन मिरर में देखूं तो मुझे क्या समय दिखाई देगा? ओके, सो इट इज वेरी ऑब्वियस, हम समझ सकते हैं कि 3:25 तो दिखाई नहीं देगा, कुछ और ही दिखाई देगा। तो चलिए समझते हैं किस तरह से यह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें एक घड़ी बनानी है। सबसे पहले लेट अस ड्रॉ अ क्लॉक। इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। सो लेट अस मार्क, दिस इज कुछ इस तरह से। अब 3:25 हमें मार्क करने हैं। 3:25 पे जो आर्स की सुई होगी, आर्स की जो छोटा वाला सुई होगा, वो 3 बजे से कुछ आगे बढ़ चुका होगा, थोड़ा सा आगे। एंड जो मिनट हैंड होगा, मिनट्स की सुई, वह 25 पे होगी। 25 मीन्स दिस इज 12, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो 25 मीन्स इट विल एग्जैक्टली ऑन 5। तो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगी। कुछ इस तरह से हमें समय दिखाई देगा, 3:25। नाउ अब यहां पर एक मिरर लगा हुआ है। दिस इज अ मिरर। अब क्या होगा? अब इस वॉल की, इस क्लॉक की एक इमेज यहां पे फॉर्म होगी। तो अगेन हम देख सकते हैं जो इमेज होगी वो लेटरली इन्वर्टेड होगी। लेटरली इन्वर्टेड मतलब ये घड़ी को इस तरह से उठा के आप ऐसा रख देंगे, इट इज लाइक दिस एंड यू विल टर्न इट लाइक दिस एंड पुट इट लाइक दिस, यहाँ पे इस तरह से घुमा के रख देंगे। तो अगेन ये सर्कल है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मिरर में हमें सर्कल का स्क्वायर दिखाई देगा, हमें दिखेगा तो सर्कल ही। सो लेट अस ड्रॉ द सर्कल। ये सर्कल कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगेन जो ये मार्क्स हैं, मार्क्स एग्जैक्टली अपनी पोजीशन पे ही दिखाई देंगे। सो इट विल बी लाइक दिस। ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। नाउ अब क्या करते हैं, अब ये जो घड़ी है इसके जो आर्स और मिनट एंड्स हैं, अब हम इन्हें ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस से दिस इज द सेंटर। अगर हम ध्यान से देखें तो मिनट एंड इस वाले डिवीजन से 1, 2, 3, 4 एंड 5th पांचवें डिवीजन पे लाए करता है। तो कैन आई ड्रॉ इट, दिस इज द फर्स्ट डिवीजन एंड 1, 2, 3, 4 एंड 5th। तो ये कुछ यहां पे दिखाई देगा, यहां पे नहीं दिख सकता बिकॉज ये इमेज ऐसा बनेगा। हमने पी को देखा था, पी इस तरह से था तो वो घूम के इस तरह से चला गया था। सो यहां पे भी मिनट एंड हमें यहां पे दिखाई देगा। ओके, देन आर एंड की बात करते हैं। 3 यहां पे लाया करता है, तो एग्जैक्टली ये जो लाइन है यहां पे ही 3 आ रहा होगा, हम देख सकते हैं 3 एग्जैक्टली यहीं पे आ रहा होगा। देन 4 का जो पॉइंट है इट विल ऑल्सो बी समवेयर हेयर एंड 4 भी कुछ इसी तरह से आ रहा होगा यहां पे। अब जो आर एंड है ये 3 और 4 के बीच में है, इट इज बिटवीन 3 एंड 4। सो यहां पे भी ये कुछ 3 एंड 4 के बीच में होगा। सो वी विल मार्क इट लाइक दिस। हम इसको कुछ इस तरह से मार्क कर सकते हैं। नाउ वी कैन सी इजीली कि समय क्या होगा, कैसे इसको हम देखें तो इट विल बी 12, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11।
सो हम देख सकते हैं, हमें दिखाई देगा कि मिनट एंड जो है वो 5 की जगह 7 के ऊपर है, और जो आर एंड है वो 3 और 4 की जगह 7 और 8 के बीच में आ रहा है। सो इट मीन्स समय क्या हो रहा होगा, इट इज मोर देन 8 एंड लेस देन 9। वी कैन सी दिस, सो दिस इज एंड मिनट एंड इज एट 7 मीन्स 35 मिनट्स, सो इट इज 8 आवर्स एंड 35 मिनट्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 8 आवर्स एंड 35 मिनट्स। हमने कुछ नहीं किया, सिंपल बस एक क्लॉक ली, उसका एक इमेज ले लिया। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी एक प्लेन मिरर इमेज फॉर्म करेगा तो वह इरेक्ट होगी और लेटरली इन्वर्टेड होगी। ओके, नाउ यू कैन नोट दिस।